प्रदेश और देश के लिए एक बड़ी खबर आज सामने आई है। छत्तीसगढ़ के मास लीडर जिन्हें कहा जाता था, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी का लंबी बीमारी के बाद आज निधन हो गया है। 9 तारीख को उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। गंगा इमली के बीज गले में फंसने के कारण जो सांस की नली थी उसमें ब्लॉकेज हुआ था और वह अजीत जोगी सांस नहीं ले पा रहे थे, जिसके बाद उनका जो हार्ट था उसने काम करना बंद कर दिया गया था। लगातार डॉक्टर प्रयास कर रहे थे, इतने दिनों से लगातार डॉक्टरों के प्रयास के बाद भी आज कल 28 तारीख को एक बार फिर से अजीत जोगी को कार्डियक अरेस्ट आया था। उसके बाद से जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन लगातार प्रयासों के बाद भी अजीत जोगी को नहीं बचा पाया गया और अजीत जोगी का निधन हो गया। डॉक्टरों ने आज इसकी पुष्टि कर दी है और अजीत जोगी नहीं रहे हैं। अब इसके बाद उनके शव को मेघाहारा ले जाने की बात कही जा रही है, जहां आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। अमित जोगी जी का कहना है कि वो अब उनको बिलासपुर लेके जाएंगे, जहाँ उनका पैतृक घर है, वहाँ उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जाएगी। बड़ी खबर है यहाँ छत्तीसगढ़ से सामने आई है। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री मास लीडर जिन्हें कहा जाता था छत्तीसगढ़ का, अजीत जोगी का निधन हो चुका है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वो आईएएस अफसर भी रह चुके हैं, ब्यूरोक्रेसी का उनको लंबा अनुभव रहा है, राजनेता रहे हैं, राजनीति का भी लंबा उन्हें अनुभव रहा है। कांग्रेस से अलग होकर जनता कांग्रेस जे की स्थापना उन्होंने की थी, उसके सुप्रीम लीडर थे वो और उसको भी कहीं ना कहीं प्रदेश में सफलता मिली थी। तो ये कहा जा सकता है कि और बड़े लीडर को, छत्तीसगढ़ के बड़े लीडर को आज छत्तीसगढ़ ने खोया है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री को खोया है। कैमरा के पीछे समीर कश्यप है, मैं आदित्य त्रिपाठी हूँ, TRP न्यूज के लिए।